नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, तो कितने फॉर्म्स इसमें अप्लाई हुए हैं। तो जो लगभग इसमें फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं वो 1 लाख के आसपास, 99,000 या 1 लाख के आसपास जो है फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज हैं उसमें वो 930 वैकेंसी हैं टोटल, और उसमें 1 लाख फॉर्म जो है अप्लाई हुए हैं। तो अगर ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग 100 गुना जो फॉर्म्स हैं वो अप्लाई हुए हैं, यानी कि एक सीट के लिए 100 कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे। तो 1,000 के लगभग वैकेंसीज हैं और 1 लाख जो है फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस लेवल का जो है कंपटीशन इसमें होने वाला है, क्योंकि एक सीट के लिए आप 100 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो है वो चुना जाएगा। तो जो पहले वैकेंसी आई थी ये वाली 2013 में, तो जब लोग इतने अवेयर नहीं थे इस वैकेंसी के बारे में, तो जब कंपटीशन जो था वो इतना टफ नहीं था। फिर जैसे जैसे ये वैकेंसीज आती गई और तो कंपटीशन जो है वो हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले जब आई थी थोड़ा कम कंपटीशन था, उसके बाद फिर थोड़ा और बढ़ गया, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तो इसमें आप इसी हिसाब से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो आपको लाने हैं, जिससे आपकी संभावनाएं जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो इसमें देखो जो पहला पार्ट है जिसमें जीके और जीएस के 40 क्वेश्चंस होंगे जिसके 50 मार्क्स होंगे, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे जिसके 50 मार्क्स हैं, और कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन होंगे तो उसके 100 मार्क्स हैं, और टोटल जो है वो 160 क्वेश्चन है और 200 जो है मार्क्स हैं। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि जो गलत क्वेश्चन आपका होता है तो कोई भी मार्क्स उसमें नहीं कटेगा, और जो सही आपका क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 1.25 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे। तो इसमें क्योंकि आप सभी लोग जो है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा आपसे की जाती है। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं तो वो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा उस पर फोकस करना है। तो इसमें जो 80 क्वेश्चन है तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि लगभग आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं इसमें से वो आप ठीक करके हैं, यानी 80 में से 60 क्वेश्चन जो है वो आपको लगभग मतलब कोशिश करनी है, इतने कम से कम क्वेश्चन जो है हमारे वो सही हो जाए। इसके बाद रीजनिंग में भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 40 में से लगभग 32 के आसपास जो है आप इसमें क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो कंप्यूटर और रीजनिंग ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है और जहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है जीके और जीएस की। तो जीके और जीएस में अगर क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, कहीं से भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, कोई इसका गिने चुने क्वेश्चंस नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। जबकि कंप्यूटर और रीजनिंग के साथ ऐसा है कि वही क्वेश्चंस जो हैं आपसे अलग अलग तरह से पूछते हैं, यानी जो इसका सिलेबस है एक लिमिटेड सिलेबस है, उस पर अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो ज्यादा मार्क्स आप कंप्यूटर और रीजनिंग में जो है वो स्कोर कर सकते हैं जीके और जीएस के मुकाबले। क्योंकि जीके और जीएस में पता नहीं चलता कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कुछ हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से भी आएंगे, साइंस से भी आते हैं, और
कुछ मैथ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अलग अलग बहुत तरह के जो हैं सब्जेक्ट हैं जहाँ से जीके और जीएस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मार्क्स ला पाना कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, तो उनके लिए ये भी मुश्किल नहीं है, मगर नॉर्मल अगर देखा जाए तो जीके और जीएस में मार्क्स ला पाना रीजनिंग और कंप्यूटर के मुकाबले इतना आसान नहीं है। तो कंप्यूटर और रीजनिंग पे आपको अच्छे से फोकस करना है। पूरा सिलेबस जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है कमेंट्स उनके आ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या हुआ। तो सेफ स्कोर वही है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाने हैं। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम आया है, क्या कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस उसमें रही है, तो सेफ स्कोर तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी आपको जो है इन तीनों सेक्शन में से कंप्यूटर और रीजनिंग पर आपको ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की इसमें आपको कोशिश करनी है। तो वही इसमें जितने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे उतना ही सेफ स्कोर आपके लिए बन जाएगा वो। तो जैसे आप ये 930 वैकेंसीज में 1 लाख फॉर्म है, यानी कि एक सीट पर लगभग 100 स्टूडेंट हैं, तो इसमें कैसे आपको कम्पीट करना है, कैसे उसमें अपने अपनी सीट जो है आपको सिक्योर करनी है। तो सबसे पहला जो फोकस है आपको वो अपने एग्जाम पर देना है। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाने हैं जिससे कि मेरिट लिस्ट में आप आ पाओ। तो जब एग्जाम आपका हो जाएगा, जब एग्जाम की जो मेरिट बनेगी, तो उस मेरिट के आधार पर वैकेंसी का लगभग 3 से 4 गुना जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये 3 से 4 गुना लोगों को, यानी कि लगभग 4,000 लोगों का जो है टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाई है, उससे मेरिट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो वैसे तो सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि हिंदी में जो आपकी टाइपिंग है वो 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग है वो 30 वर्ड्स पर मिनट। तो टाइपिंग पर अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, कैसे टाइपिंग कैलकुलेशन होती है। फिलहाल आपको जो है अपनी टाइपिंग की स्पीड जो है हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट विद 85% ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप ज्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में गलत टाइप कर दें, तो एक्यूरेसी का भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत से लोग जो है वो प्रिपरेशन में लगे हैं, तो अपने अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको इसमें लाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो लोग नए हैं वो लोग हमसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसी तरह की वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।